अस्सलामुअलैकुम, टैलेंट न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ हीरा जावेद। सबसे पहले शामिल कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ हेडलाइंस। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बहावल नगर में डॉक्टर्स पर तशद्दुद, शोभा इमरजेंसी मैदान जंग बन गया। 5 अफराद ने आहनी रॉड और घूंसों से डॉक्टर्स और अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया। इमरजेंसी के शीशे भी तोड़ दिए। तशद्दुद से डॉक्टर इमरान और डॉक्टर गौहर जख्मी। नामालूम शहरी ने अपने बच्चे के इलाज में ताखीर पर साथियों के हमरा हंगामा आराई की। हंगामा आराई के दौरान सिक्योरिटी गार्ड्स भी गायब हो गए। तशद्दुद के वाकये के खिलाफ डॉक्टर्स और अमले का एहतजाज। पुलिस ने हमला आवरों को गिरफ्तार कर लिया। सादिकाबाद में इंसानी जानों को बचाने वाले रेस्क्यू एहलकार परिंदों के लिए भी मसीहा साबित हुए। दीवार पर लगी खारदार तार में फंसे परिंदे को आजाद करवा लिया। जख्मी परिंदे को तिब्बी इमदाद भी दी गई। तिब्बी इमदाद और खुराक की फराहमी के बाद परिंदे को आजाद फजा के हवाले कर दिया गया। राजनपुर की तहसील रोजान का इकलौता कार्डियोलॉजी सेंटर वीरान। ना कोई डॉक्टर ना ही अमला। लाखों रुपए की मशीनरी नाकारा होने लगी। 3 साल से मरीज इलाज मुआवजे के लिए दूर दराज शहरों में धक्के खाने पर मजबूर। शहरों का वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। लाहौर में सानिया मरी के जिम्मेदारों के खिलाफ वकला और सिविल सोसाइटीज के कारकुनों का एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन की मरी के होटल मालिकान के खिलाफ नारेबाजी। जायद किराया वसूल करने वाले होटल मालिकान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। मरी में नए रेस्ट हाउसेस तामीर किए जाएं। सियाहों की सहूलत के लिए मरी को जल्द जिला का दर्जा दिया जाए। मुजाहिरीन की हुकूमत से अपील। जहानिया में सुई गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का रेलवे फाटक बंद करके एहतजाजी मुजाहिरा। मुंतखब नुमाइंदों और महकमा सुई गैस के खिलाफ नारेबाजी। लोड शेडिंग खत्म ना की गई तो जीटी रोड बंद कर दिया जाएगा। मुजाहिरीन की धमकी। वजीर आजम वजीर आला पंजाब से गैस लोड शेडिंग खत्म कराने का मुतालबा। शदीद धुंध के बायस चीचा वतनी रोड पर खौफनाक हादसा। मुसाफिर बस और ट्रॉलर की टक्कर। 6 अफराद शदीद जख्मी। रेस्क्यू टीम ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कमालिया मुंतकिल कर दिया। 2 की हालत तशवीशनाक। हादसा धुंध के बायस पेश आया। मिंचनाबाद के नवाही इलाके मूजा हड्डी वाला घरेलू हालात से तंग खातून ने खुदकुशी कर ली। हनीफा बीबी ने रस्सी गले में डालकर खुदकुशी की। अहले खाना का मौकिफ। रेस्क्यू टीम ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कत्ल या खुदकुशी तमाम पहलू मद्देनजर रखकर तफ्तीश की जाएगी। गुजरांवाला के इलाके सब्जी मंडी में नौजवानों की अंधाधुंध हवाई फायरिंग। नशे में धुत नौजवान कानून की धज्जियां भी घेरते रहे। वीडियो वायरल होने पर पुलिस इन एक्शन। 3 मुलजिमान गिरफ्तार। दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। ओकाड़ा में जरूरतमंदों की मदद के लिए दीवार एहसास का इफ्तिताह। डेप्यूटी कमिश्नर ने दीवार एहसास का इफ्तिताह किया। गरीब और बेसहारा लोगों को गर्म कपड़े, जूते, बिस्तर और गर्म चादरें दिए जाने के अमल का जायजा लिया। दीवार एहसास से मुस्तफीद होने वाले लोगों की इज्जत नफ्स का ख्याल रखने की हिदायत। कोशिश की जाए ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद अफराद दीवार एहसास से मुस्तफीद हो सके। DC की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत टास्क फोर्स बराए इंसदादे पोलियो का इजलास। पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम और बीमारी के खात्मे के हवाले से ब्रीफिंग। सूबे में 18 माह से पोलियो केस का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। सूबे के 6 अजला में खसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम 17 जनवरी से शुरू की जाएगी। 5 साल से कम उम्र के 10 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम के दौरान 5000 से ज्यादा टीमें भी अपने खिदमात सर अंजाम देंगी। इजलास को ब्रीफिंग। और खानेवाल में सिराय सिद्धू और मखदूमपुर में सफाई निजाम की बेहतरी के लिए बड़ा इकदाम। सफाई ऑपरेशन के लिए 60 लाख रुपए मालियत की मशीनरी जिला कौंसिल के हवाले।
एडमिनिस्ट्रेटर जहीर अब्बास शेराजी ने मशीनरी चीफ ऑफिसर के हवाले की। जिला कौंसिल हदूद में सफाई और सैनिटेशन मसाइल के हल के लिए मुअसर प्लानिंग की जाए, डिप्टी कमिश्नर की हिदायत। हेडलाइंस आप जान चुके, न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।